दोस्तों एक इमरजेंसी आ गई थी जिस दिन मैं औरैया जा रहा था अपनी बहन को लेने और ब्लॉग भी शूट कर रहा था बीच में। मैं घर से निकल ही रहा था अपना बैग लेके, मेरी टिकट वगैरह सब बुक हो चुकी थी और जैसे ही मैं घर से निकल रहा था तो मेरे छोटे साले का फ़ोन आता है कि जो प्रीति का बड़ा भाई है, बड़ा वाला साला, उसका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। उसके माथे पे चोट आ गई थी और ये जबड़ा वगैरह सारा टूट चुका है और फिर मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रीति को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा। यहाँ फरीदाबाद में सब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हम लोग फिर वहाँ गए, वहाँ और ये जाना कैंसिल हो गया। उसके बाद दो तीन दिन मैं वहाँ रहा हूँ, भागा दौड़ी करी है। अब साले को लेके हम घर पे आ चुके थे, अब उसका ऑपरेशन तो हो चुका है, सर्जरी वगैरह। अब मैं अपने घर को निकल रहा हूँ, तो आज शाम की टिकट है और यह की दोबारा से मुझे करनी पड़ी। बहन को बोल दिया है कि तैयार रहियो, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। अभी हम लोग अपने घर जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से मैं शाम को निकलूँगा, बस पकड़ूँगा और सीधा औरैया। स्लीपर बस मैंने बुक की हुई है, आज बुक कर दी थी, और मैं आज शाम को निकलूँगा और ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं घर से निकल चुका हूँ और मैं कश्मीरी गेट जा रहा हूँ, वहाँ से मैं अपनी बस पकड़ूँगा। बच्चों को और प्रीति को मैंने घर पे छोड़ दिया, अब मैं और ये निकलूँगा वहाँ बस से सीधा। सुबह 3:30 बजे उतार देगी मुझे और ये हमें, फिर वहाँ से कुछ ऑटो वगैरह लेके सीधा अपने बहन के घर। तो घर में आरू रो रहा था बहुत ज़्यादा, मुझे छोड़ नहीं रहा था। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये लोग छोड़ते नहीं हैं। ठंड भी बढ़ चुकी है, जब मेरे साले का एक्सीडेंट हुआ था ना तब भावा मेरा इंतज़ार कर रहा था घर पे कि मैं उसको लेने जा रहा हूँ। तो मेरी बहन ने उसको क्या बोला कि मामा नहीं आ रहे हैं, तो बोले कि मामा क्यों नहीं आ रहे हैं, बोले कि जो आरू के मामा हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है इसलिए वो नहीं आ रहे। तो कह रहे एक्सीडेंट तो आरू के मामा का हुआ है ना, तो मेरे मामा क्यों नहीं आ रहे हैं, वो ऐसे बोल रहा था, बहुत फनी है वो। और जो एक्सीडेंट हुआ है ना वो बहुत ही ख़तरनाक हुआ है, मतलब जो ये यहाँ की हड्डी होती है ना जबड़े की, वो तो टूट गई है और प्लस यहाँ चोट लगी है, आँख बच गई है, आँख खुल रही है लेकिन आँख बच गई है। चोट तो बहुत गहरी लगी, एक कंधे पे चोट लगी है, मतलब सब जगह से टूट गया है, उससे बैठा भी नहीं जाता है, इतना मतलब मुश्किल हो गया उसके लिए। उसको तो दो आदमी उठाने के लिए चाहिए। अब उसके जबड़े की सर्जरी तो हो गई है लेकिन वो कुछ खा नहीं सकता, अब 3-4 महीने के लिए जब तक डॉक्टर बोल रहे हैं तब तक वो कुछ खा नहीं सकता, सिर्फ लिक्विड पिएगा, दाल पिएगा, लिक्विड की चीज़ें खाएगा, बस पिएगा मतलब। अब उसका जी करता है कुछ खाने का। तो फाइनली बस मिल चुकी है और हम लोग बस में बैठे हैं। एसी बस है, नॉन एसी मिल नहीं रही थी इसलिए मुझे एसी की बुकिंग करनी पड़ी। ये मेरा बैग है, ये शू रैक बना रखा है उन्होंने, इसमें से मतलब हवा वगैरह आती है। ये लाइट का सिस्टम है, ये उड़ने के लिए दे दिया, ये पिल्लो दे दिया और ये है चार्जिंग के लिए। मेरे साथ एक कहानी हो गई, मुझे ड्राइवर ने 10 किलोमीटर पहले उतार दिया औरैया से, औरैया से 10 किलोमीटर पहले उतार दिया। रात का अंधेरा था, मुझे भी नहीं पता लगा। अरे यार ये तो गलत बात है, तुम उठकाए गए, तुम उठकाए गए, हमने कही थी हम तुम्हें उठाए। चलो जो बचिया क्या कर रहे हैं। अरे यार ये तो बहुत गलत बात हो गई, तुम सोए नहीं थे क्या रात में, तुम सोए का ही नहीं।
तो मैं आपको मिलवाता हूँ अपने प्रिय भांजे से। ये हमारे प्रिय भांजे, और ये बहुत दिन से फड़फड़ा रहे थे अपने मामा के लिए, और मामा जी इनके पास आ गए हैं। और हम लोग अब दिल्ली जाएंगे। अभी हमारी दीदी जी हमारे लिए कुछ बना रही है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बना रही है। चलो दीदी से मिलवाते हैं। गरम गरम कुछ बना रही है। ये बन रहे हैं मंगोड़े। तो अभी गरम गरम मंगोड़े खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे। मम्मी ऊपर बैठी है, सबसे ऊपर, धूप निकल आई है।